पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, राज्यसभा की सीट को लेकर के बड़ी खबर हम आपको बताने बैठे हैं। एक सीट पर उपेंद्र कुशवाहा का नाम फाइनल हो गया है, लेकिन उनके नामांकन को लेकर के खूब चर्चाएं चल रही थी। आज यानी 20 तारीख को उनका नामांकन था और नामांकन को आज रद्द कर दिया गया, चूंकि भारतीय जनता पार्टी दूसरे सीट पर मंथन कर रही थी कि किसे बनाया जाएगा, दूसरे सीट पर कौन उम्मीदवार होगा, और वो चाहती थी कि दोनों सीटों पर एक ही साथ नामांकन करवाया जाए। आज उपेंद्र कुशवाहा का नामांकन टला, कल होगा 21 तारीख को, और उससे पहले बीजेपी ने अपने दूसरे उम्मीदवार का नाम भी फाइनल कर दिया है। पिछले 48 घंटे से बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली में डटे हुए हैं और केंद्रीय टीम के साथ, केंद्रीय नेतृत्व के साथ वो बैठक करके फैसला कर रहे हैं कि किसे भेजा जाएगा। देखिए, इस नाम में राज्यसभा की सीट पर कई नामों की चर्चा चल रही थी। ऋतुराज सिन्हा का नाम चर्चा में आ रहा था, इसके अलावा रामकृपाल यादव का नाम चर्चा में था, पशुपति पारस भी इस लिस्ट में थे, इस लिस्ट में आर के सिंह भी थे। ये वो नाम है जिनको 2024 में इनमें से कई लोगों को मौका तो दिया गया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। कई लोगों के नाम की चर्चा भी चल रही थी। ऋतुराज सिन्हा के नाम की चर्चा चल रही थी कि उनको लोकसभा का टिकट भी दिया जाएगा, हालांकि लोकसभा का टिकट उनको नहीं मिला। रामकृपाल यादव हार गए, आर के सिंह हार गए। पशुपति पारस के साथ कितना बड़ा जो खेला था एनडीए गठबंधन में वो हुआ है। तो इन सब लोगों को सेट करने को और इन सब लोगों में नाराजगी ना बढ़े, इसको लेकर के चर्चाएं चल रही थी कि इनके नाम पर मुहर लगेगा। लेकिन इस की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि राज्यसभा की दूसरी सीट पर जो बीजेपी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं वो बेहद चौंकाने वाला नाम है, और एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जिन व्यक्ति को ढूंढने से वो बीजेपी में बहुत कम मिलेंगे, लेकिन अपने क्षेत्र में काफी नाम है इनका। अपने एरिया में अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक पहुंचकर पकड़ मजबूत बनाए हैं, और उनका नाम है, बताएं आपको कि मनन कुमार मिश्रा। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने मनन कुमार मिश्रा, जो भाजपा के नेता हैं, साथ ही साथ नेशनल बार काउंसिल के चेयरमैन हैं, अधिवक्ता हैं, और इनको बनाया गया है राज्यसभा की दूसरी सीट पर बीजेपी से उम्मीदवार। जी हां, ये पहली बार आप नाम सुन रहे होंगे, लेकिन ये नाम अपने क्षेत्र में, चूंकि ये गोपालगंज से आते हैं और गोपालगंज के क्षेत्र में इनके नाम पर काफी चर्चाएं होती हैं। बार काउंसिल के चेयरमैन के साथ साथ इनको कद्दावर नेता के रूप में भी माना जाता है, इसलिए क्योंकि बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं पर पकड़ ये मजबूत रखते हैं। इसके साथ साथ बाकी जो राज्यसभा के उपचुनाव हैं, जिनमें असम, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, त्रिपुरा, इन सभी जगहों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए हैं। बिहार में भाजपा से मनन कुमार मिश्रा हैं, हरियाणा से किरण चौधरी को बनाया गया है, मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन को बनाया गया है, असम से मिशन रंजन दास, और असम से जो दूसरा सीट खाली हुआ था उसमें रामेश्वर तेली को बनाया गया है, महाराष्ट्र में धैर्यशील पटेल को बनाया गया है, ओडिशा में ममता मोहंता को बनाया गया है, राजस्थान में सरदार रवनीत सिंह बिट्टू। जी हां, रवनीत सिंह बिट्टू के नाम पर भी हमने खूब चर्चाएं की थी। जब मोदी का शपथ चल रहा था तो इनके मतलब चेहरे पर कैमरा का फोकस ज्यादा था, तभी से अनुमान लगाया जा रहा था कि इनको कोई बड़ा पद बीजेपी देने जा रही है। इसके अलावा जो त्रिपुरा है, राजीव भट्टाचारी, इनको मौका दिया गया है, तो मनन कुमार मिश्र को बनाया गया है। आपके स्क्रीन पर मनन कुमार मिश्र का तस्वीर भी चल रहा होगा, इस तस्वीर को देखिए। और आखिर बीजेपी मनन कुमार मिश्रा को टिकट देने और उम्मीदवार बनाने के पीछे की रणनीति क्या है, विस्तृत खबर में हम आपको बताएंगे। लेकिन मनन कुमार मिश्र राज्यसभा के बीजेपी के दूसरे उम्मीदवार हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़े रहिए भारत लाइव पर, खबरें लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।